नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। टोंक की डिग्गी में सीएम राजू ने कल्याण जी महाराज के दरबार में टेका मत्था, पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर ट्रस्ट और लोगों ने किया सीएम राजू का स्वागत। भाजपा मुख्यालय पर एनटीटी छात्रों का हुड़दंग, मुख्यालय के अंदर घुसकर की नारेबाजी, पुलिस ने हुड़दंगियों को किया गिरफ्तार। अजमेर के जवाजा में सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मृत्यु, सड़क किनारे पैदल जा रहे दंपति को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर, हादसे के बाद रोड पर लगा था लंबा जाम। सीएम अशोक गहलोत ने साधा केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना, किसानों की आत्महत्या पर सरकार हो रही कलंकित, केंद्र सरकार सभी राज्यों में बरते समानता। बारा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एएसआई को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, जमीनी मामले में एफआईआर लगाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। टोंक जिले का श्री कल्याण महाराज डिग्गी का लखी मेले में सीएम वसुंधरा राजे ने मंदिर जाकर श्री कल्याण महाराज डिग्गी की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं व युवतियों ने सीएम का माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि श्री कल्याण महाराज डिग्गी लखी मेला इन दिनों परवान पर है, यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारों ओर सड़कों पर कल्याण भक्तों के जत्थे कल्याण धनी के दर्शनों की चाह में डिग्गी धाम की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर के बाहर भी श्रद्धालुओं की हर तरफ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ के मंदिर की आस्था को लेकर लोगों में मान्यता है कि कल्याण धनी गरीब या अमीर सभी का कल्याण करते हैं। डिग्गी कस्बा समेत यहाँ सभी मंदिर में पुलिस बल तैनात है, साथ ही 25 सीसीटीवी कैमरों से पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत एनटीटी अभ्यर्थी बुधवार को भाजपा मुख्यालय में घुस गए। अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मांगों पर कार्रवाई की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों के भाजपा मुख्यालय में घुसने की सूचना से पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों पर अडिग रहे। मामला बढ़ता देख पुलिस ने जबरन एनटीटी अभ्यर्थियों को भाजपा मुख्यालय से बाहर निकाला। इस दौरान कई महिला अभ्यर्थी ही नहीं छोटा बच्चा भी चोटिल हुआ। हंगामे के बीच अभ्यर्थी जब वहां से हटने का को राजी नहीं हुए तो पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महिला अभ्यर्थियों ने पुलिस पर बदसलूकी करने व कपड़े फाड़ने का आरोप भी लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रेस वार्ता के दौरान गहलोत ने कहा कि सरकार वादा पूरा नहीं कर रही है, ऐसे में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। किसान लगातार प्रदेश में आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसानों का ऋण माफ नहीं किया जा रहा है, नष्ट फसलों का मुआवजा दिया जाना भी बेहद जरूरी है। कांग्रेस सरकार ने किसानों को बुआई और बीज का मुआवजा दिया था, राजस्थान का किसान सभी राज्यों से मजबूत किसान है, सरकार पर किसानों की हो रही आत्महत्या का एक कलंक है। पीएम ने यूपी के किसानों का ऋण माफ कर प्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव किया है, सभी राज्यों को समानता मिलनी चाहिए, ऐसे में किसान सरकार की मनमर्जी के कारण मजबूरन आत्महत्याएं कर रहा है। कल में पहली बार आत्महत्या होने की घटना
चार चार अखाड़ साथ पड़ गए थे पहले, तब भी किसी ने आपत्या नहीं करी थी जमाने में। और अब इस तक ये कि जब ओलावृष्टि हुई बिजली गिर गई लोग मर गए, तब से मैं देख रहा हूँ कि दो साल पहले की बात है कि पूरा मुआवजा दिया नहीं, और एक के बाद एक फसल खत्म की गई, टमाटर प्याज लहसुन वगैरह सब फेंकने पड़े, उसके कारण से पूरी तरह तबाह हो गया किसान और आत्महत्या मजबूर हो रहा है आजकल पहली बार। तो ये कलम आज चलने लगा पहली बार इस गवर्नमेंट वक्त लग रहा है कलम राजस्थान के लिए। महाराष्ट्र में सुनते थे हम लोग, अन्य राज्यों में सुनते थे, आंध्र प्रदेश में सुनते थे, पर राजस्थान कभी भी इतना मजबूत किसान रहा है कि चाहे कैसी भी स्थिति आ गई कभी एक भी किसान कभी आत्महत्या नहीं हो, गवर्नमेंट चाहे किसी के रही हो कांग्रेस रही हो। बस ये पहला मौका है जो वसुंधरा लेकर आज मिली है। बारा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर गोपाल लाल गुर्जर को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी एएसआई ने जमीन के मामले में एफआईआर लगाने व नाम हटाने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत मिलते ही एसीबी बारा के उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह गोगावत के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। बारा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने तलवड़ा रोड पर किराए के मकान में रह रहे सब इंस्पेक्टर गोपाल लाल गुर्जर को वहीं से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी एएसआई ने मामला रफा दफा करने के लिए 1,00,000 रुपए की मांग की थी, जहां सौदा 20,000 रुपए में तय हुआ था। अजमेर के जवाजा में एक सड़क हादसे में पति पत्नी की मृत्यु हो गई। पति पत्नी सूरजपुरा इलाके में सड़क किनारे चल रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद रोड पर लंबा जाम लग गया, तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की। स्वागत है। राजसमंद में आमेट क्षेत्र के सेलागुढ़ा में एक ट्रक चालक व खलासी के साथ 4 लुटेरों ने मारपीट कर लूटपाट की। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक ब्यावर से आमेट आ रहा था। टीकर गांव से 4 नकाबपोश बाइक सवारों ने करीब 6 किलोमीटर तक ट्रक का पीछा किया। सेलागुढ़ा की नर्सरी के पास ट्रक को रुकवाकर खलासी के साथ मारपीट की, जहां खलासी उनसे बचकर भाग निकला। ड्राइवर को जंगल में ले जाकर भी मारपीट की गई। ड्राइवर से 6,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। घायल हालत में ड्राइवर ने आमेट थाने में पहुंचकर सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। जो ट्रक ड्राइवर है उसने एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जिसने बताया कि मैं मेरी ट्रक लेकर ब्यावर से आमेट बॉर्डर पड़ने के लिए आ रहा था। आमेट से करीब 10 किलोमीटर दूर पहुंचा कि 2 मोटरसाइकिल सवार, जिस पर 2 व्यक्ति थे, चारों व्यक्तियों ने मेरी ट्रक को रुकवाने की कोशिश की। मैंने नहीं डर के मारे नहीं रोकी और थोड़ा आगे आकर सेलागुड़ा गांव के पास रोककर मैं एक व्यक्ति मेरे साथ खलासी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, तथा खलासी अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया, तथा उसी व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट करना शुरू किया, जिसमें मारपीट करने वाला मंगल सिंह नाम का व्यक्ति था, तथा एक दूसरा व्यक्ति ईश्वर सिंह, जो एक दूसरे को अपना नाम पुकारे थे, पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर वहाँ पे मारपीट की और मेरे जेब में 6,000 रुपये थे वो निकाल लिए। प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जा रहा है, जिनमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी के चौमू में बीती रात चोरों ने एक के बाद एक करीब आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़ डाले। चोरों ने दुकानों में गल्ले में रखी नकदी तथा दुकानों में रखे 1,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। सूचना मिलते ही चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी दिनेश शर्मा, थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने भी मौका मुआयना किया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। फुटेज में 2 संदिग्ध भी पुलिस को नजर आ रहे हैं। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि घटना को पुलिस गंभीरता से ले रही है। चोरों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन भी किया गया है।
धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के रजौरा खुर्द के ग्रामीणों ने घरेलू उपयोग के लिए बजरी निकासी को लेकर उपखंड प्रशासन से गुहार लगाई है। उपखंड प्रशासन ने बजरी माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसमें बजरी से भरे वाहनों को जब्त कर मोटा जुर्माना वसूल किया गया। रजौरा खुर्द गांव के 3 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने प्रतिबंधित पार्वती नदी की बजरी की निकासी को लेकर SDM को ज्ञापन देकर मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि जिले की चंबल नदी से निकलने वाली बजरी पूर्व में ही बंद पड़ी है। घरेलू उपयोग के लिए पार्वती नदी की बजरी मकान आदि के निर्माण में उपयोग ली जा रही है, जिसे प्रशासन ने बंद करा दिया है। ऐसे में किसानों को घर मकान बनाने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। मकानों के काम अधूरे पड़े हैं, लेकिन निर्माण के लिए जिले में कहीं भी बालू की व्यवस्था नहीं है, जिससे किसानों को मुसीबत के दौर से गुजरना पड़ रहा है। कोटा के MBS अस्पताल की ड्रेसिंग रूम की छत का प्लास्टर अचानक से गिर गया। हालांकि जिस समय प्लास्टर गिरा, उस समय रूम में कोई मरीज नहीं था, जिससे हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि रूम में मरीजों की ड्रेसिंग की जाती है। सुबह भी एक मरीज की ड्रेसिंग हो रही थी। ड्रेसिंग के कुछ देर बाद ही रूम की छत का प्लास्टर नीचे आ गिरा। इस हादसे के बारे में अधीक्षक को शिकायत भी की गई। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी अस्पताल के वार्डों में छत के प्लास्टर गिर चुके हैं। स्टाफ का कहना है कि ऐसे मौसम में छत की मरम्मत करना बेहद जरूरी हो गया है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में लगी DG जनरेटर सेट में अचानक से आग लग गई, जिसके कारण कुछ देर के लिए परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में पुरानी कैंटीन के पास अस्पताल का DG जनरेटर सेट लगा हुआ था, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। जनरेटर से उठते धुएं के कारण कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी भी मच गई। सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूलों पर उठते सवालों के दावों की पोल खोल रहा है भीलवाड़ा का एक राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय। इस विद्यालय की कार्यप्रणाली की स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना करते हुए 75वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। ये मात्र एक ऐसा विद्यालय है जहां सरकारी नहीं बल्कि बड़े बड़े नामचीन स्कूलों के बच्चे यहाँ अपना दाखिला करवा चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा के राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग पर जो है उसकी। ये संभाग का एकमात्र सरकारी विद्यालय है जहां पर 9वीं व 11वीं कक्षा में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू की गई है, जिसके कारण शहर के कई निजी विद्यालयों से छात्रों ने TC लेकर इस विद्यालय में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। राजस्थान के आधे हिस्से में बाढ़ के हालात हैं, तो आधे में सामान्य से कम वर्षा है। ऐसे में सरकार सो रही है और जब आग लगेगी तब कुआं खुदवाएगी, तो क्या ये कारगर साबित हो पाएगा? ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में पानी नीचे आ रहा है, सरकार को चाहिए कि वहां पर आगे की रणनीति बनाए। पानी में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं और जहां पर सामान्य से कम वर्षा हुई है उन क्षेत्रों का दौरा कर आगे की रणनीति तैयार करें, अन्यथा खरीफ की फसल नहीं हो पाएगी। कांग्रेस भी अन्य संगठनों के साथ मिलकर राहत कार्य कर रही है। हालात बड़े खराब रहे हैं, जालौर में, शिरोही में, पाली में, बाड़मेर में, तो चिंता का विषय बना हुआ। आधा जो है राजस्थान तो बाढ़ग्रस्त हो गया है,
और आधे रास्ता में जो बरसात पूरी आई नहीं है वही चिंता का विषय बना हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि टाइमली जब बरसात नहीं आई है वहाँ पे क्या काम करना है अभी से प्लानिंग करें, क्योंकि अगस्त का महीना आ गया है और बरसात अगर वहाँ नहीं हुई तो फिर खरीफ की फसल होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि वहाँ अभी से प्लानिंग करें जिससे कि उनको। जबलपुर जिले में जुलाई का पूरा महीना निकल गया है लेकिन सरकारी विद्यालय के 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही और काफी दिक्कतें आ रही हैं। सरकारी विद्यालयों के बच्चे बाजार में किताबें नहीं खरीद सकते हैं। अगर बच्चे बाजार से किताबें खरीदते हैं तो किताब विक्रेताओं द्वारा मनमाने दाम भी वसूले जा रहे हैं। संस्था प्रधान का कहना है कि स्कूलों में बच्चों की किताबें नहीं मिल रही हैं जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। क्लास 12 में पढ़ता हूँ, गरीबी के होने के कारण किताबों को नहीं ला पा रहा हूँ, इसलिए डेढ़ महीने से पढ़ाई में हमारी रुकावट हो रही है, कई परेशानी हो रही हैं। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि किताबों की जल्द से व्यवस्था की जाए। NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजस्थान विश्वविद्यालय सहित संगठक महाविद्यालयों के छात्र नेताओं ने जगह जगह पर उनका स्वागत किया। NSUI कार्यालय परिसर में प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया है। पूनिया ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी इकबाल खान छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं के साथ चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। NSUI का मानना है कि इस बार राजस्थान में NSUI की जीत सुनिश्चित है। अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और जिस तरीके से इनका जोश देख के लगता है कि इस बार सरकार भी युवाओं की होगी, सरकार भी हमारी होगी और सारे विश्वविद्यालयों में NSUI का परचम लहराएगा। वो आपने सुबह से देखा कि अभी तक किस तरीके से युवाओं में जुड़ रहे हैं, किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। NSUI छात्रों के बीच में जाके उनकी लड़ाई लड़ेगी और उसके लिए संघर्ष करेगी। पश्चिमी राजस्थान में पानी का सैलाब उमड़ रहा है। जालौर सांचौर में सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं लेकिन इस सैलाब के बीच सरकार भामाशाह और सेना पीड़ित लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आए। सेना व सरकार लगातार राहत कार्यों में जुटी हुई है लेकिन इस बीच पानी का सैलाब बढ़ता ही जा रहा है। सांचौर के टापी गांव में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पावटा गांव में 350 लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए सेना ने ऑपरेशन राहत शुरू किया। इसके अलावा आदर्श क्रेडिट सोसाइटी द्वारा संचालित आदर्श फाउंडेशन ने सांचौर क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त में हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है। बाड़मेर के समदड़ी में लगातार हुई बारिश के बाद लूनी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांवों का संपर्क टूट चुका था। आपको बता दें कि कई गांव ढाणियां और जलमग्न हो गए हैं। सूखड़ी नदी भी कई दिनों से उफान पर है जिससे लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा और जैसे ही नदी का बहाव और वेग कम हुआ तो प्रशासन ने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित मेडिकल टीम ने नाव में सवार होकर प्रभावित लोगों की कुशलक्षेम जानी और आमजन को राहत पहुंचाई और प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी सब जगह जाकर लोगों को सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। इस दौरान तहसीलदार सुरेंद्र सिंह खंगारोत और विकास अधिकारी अतुल सोलंकी ने इलाके का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को राहत दी। कोटा के मोडक थाना इलाके में स्कूल बालिका के बैग में जबरन मोबाइल रखकर बातचीत करने के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया है जिसकी शिकायत भी मोडक थाने में की जा चुकी है लेकिन उसके बाद भी आरोपी युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल मोडक स्टेशन के पास पीड़िता का परिवार रहता है। पीड़िता के पिता पशुपालन विभाग में कार्यरत हैं।
बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय बालिका मोडक में ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती है, जिसको आए दिन इलाके में ही एक रहने वाला युवक सिकंदर उर्फ आशिक परेशान करता है और बालिका पर जबरन बातचीत करने का दबाव डालता है। कुछ दिन पहले सिकंदर ने उसके बैग में मोबाइल डाल दिया था, जो कि स्कूल में जाते ही बज गया, जिसकी शिकायत भी बालिका ने टीचर को की थी। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार के साथ मिलकर मोडक थाने में मोबाइल दिया और आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी आरोपी को पाबंद करके इतिश्री कर ली है। ऐसे में आरोपी युवक पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित बालिका ने पुलिस महानिरीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।